फिल्मी अंदाज में दिन की शुरुआत करने के बाद आज सोचा कि कुछ अलग करते हैं। नाश्ता बनाने का ना दिल था ना वक्त था, तो हमने दो केलों पर इक्तफा किया और निकल पड़े सफर को। सो गाइस, अब आप देख रहे हैं कि हम इस टाइम थ्रम्सो के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे जा रहे हैं, जहाँ से हम सारा का सारा थ्रम्सो देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे इस जगह का नाम अभी नहीं याद, मैं आपको इसका नाम वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, या एंड द पर्सन हु गॉट अस हियर is this person Antek is a very nice guy, and he's one of my colleagues in the university. And aap ye seedhiyan aise dekh sakte hain, you can see this path. This path was just built by Nepalis. Yeah, the view is so beautiful. तो ये जो हैं, ये ऑलमोस्ट 1000 स्टेप्स हैं, 1000 स्टेप्स ओवर हियर, एंड वी आर देन ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। हम इस टाइम 200 स्टेप्स क्रॉस कर चुके हैं। आवाज से और फूले सांस से अंदाजा लगा लें कि मेरी अभी से बस हो गई थी। सो आखिर बैठने की जगह मिली, थोड़ी देर बैठे, सांस बहाल किया और अंतिक से थोड़ी गपशप की। बहुत ऊपर जाना है हमने, ना अभी सिर्फ हमारे 600 स्टेप्स हैं, 3600 स्टेप्स, I guess. We have a long way to go and then to come back. It's actually getting steeper. What? Gets steeper. अंतिक ने मेरे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को सलाम पेश किया। Hey, कैसा है गंदू? कैसा है गंदू? 1203 स्टेप्स चढ़ने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर और उस जगह जा रहे हैं जिसके लिए हम एक्चुअली यहां पर आए हैं। तो गाइस, ये वो व्यू है जो लेने के लिए मैं यहां पे आया हूं, कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चल के और 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ चल के, ये है वो व्यू। ये वो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ। वो रास्ता जहाँ पर स्टेयर्स लगी थी, दैट्स कॉल्ड शेरपा त्रपा। शेरपा हिमालयन पीपल होते हैं जो बेसिकली नेपाल के या तिब्बत के रहने वाले होते हैं, और वो अपने माउंटेन हाइकिंग स्किल्स की वजह से फेमस होते हैं। और ये जगह जहाँ मैं इस टाइम हूँ, इसका नाम है फियल हाइसन। फियल हाइसन मीन्स द माउंटेन लिफ्ट। और फिर शुरू होता है हमारा वापसी का सफ़र, और बेशक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। नीचे पहुंचकर बस का इंतज़ार किया और फिर बहुत मसरूफ हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको आगे भी इस तरह शेयर कराता रहूँगा। थैंक यू।